subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में समाज सेवक हाजी शाहनवाज खान ने इंसानियत और जरूरी मुद्दों पर फेसबुक पर किया रमजान नमाजियों से संवाद। कहा, रमजान में मौका है ऊपर वाले से माफी मांगने का, जितनी मदद हो सके इस संकट की घड़ी में जरूर करें। और समाज के सभी घटक, पुलिस, प्रेस, डॉक्टर, नर्स, वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त किया। तो भाइयों, मैं हाजी शाहनवाज खान नवी मुंबई से आप लोगों को हाजी शाहनवाज खान का नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। भाइयों, महाराष्ट्र डे है, लेबर डे है। हमारे महाराष्ट्र का जितने हुतात्मा, जिसमें जो लोग शहीद हुए थे इस महाराष्ट्र के, अखंड महाराष्ट्र के लिए जो शहीद हुए, उनको तो मैं दिल से सलाम करता हूँ। उनको जिसमें हर जाति जमाती के लोग ने इस महाराष्ट्र के लिए, स्वतंत्र के लिए हिस्सा लिया हुआ था, उनको बहुत बहुत सलाम। खासकर हमारे मुस्लिम भाई भी जो इसमें हिस्सा लिए थे, उनको भी सलाम। उनकी भी कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते, उनकी कुर्बानी को भी याद रखना है हमें, इस बात का ध्यान रखा जाए। महाराष्ट्र डे जो लेबर डे है, ये खास स्पेशल डे होता है। और इस कोरोना वायरस के टाइम पे जो ये लेबर डे आया है हमारे वक्त, इस वक्त महाराष्ट्र में जो इस वक्त कोरोना के अंदर पूरी दुनिया, इंटरनेशनल लेबर डे के अंदर पूरी दुनिया, महाराष्ट्र में जो हमारे लेबर जो तकलीफों में है इस वक्त कोरोना के, कोरोना जो चल रहा है उसमें जो हमारे लेबर जो तकलीफ के अंदर है इस वक्त, जैसा बांद्रा के अंदर जो एक हुआ था, पूरे लेबर के लेबर, यूपी बिहार के जो लेबर, ये लोग जो रस्ते पे आ गए थे, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ किसी को पता नहीं था, अचानक ये कर दिया गया, 8 बजे का अनाउंसमेंट हुआ और 12 बजे तक का उस पर लागू हो गया था। तो बहुत से हमारे ऐसे लेबर थे जो हमारे जो मुंबई में, महाराष्ट्र में आके कारपेंटरी का काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में और छोटे मोटे काम में जो बेचारे लोग मदद करते हैं, तो ये लोग यहाँ के यहाँ फंस गए। खास करके मैंने खुद अपने इधर नई मुंबई में देखा है, बहुत से लोग एपीएमसी मार्केट के अंदर, पनवेल के अंदर, ऐसे कई लेबर है यूपी बिहार के जो इस वक्त फंसे हुए हैं। तो उन लोगों का ये लेबर डे के अंदर मैं यही कहता था, अल्लाह ताला आपको आसान बनाए इस लेबर डे के अंदर, क्योंकि आप लोगों की सही मेहनत है इस महाराष्ट्र को बनाने में, जो आप छोटे छोटे चीजें में ये महाराष्ट्र जैसे खूबसूरत चीज बनाने में, अगर आप लोगों का हमारे को योगदान नहीं होता था तो आज ये महाराष्ट्र इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया नहीं होता था। तो आप लोगों को इस लेबर डे के अंदर मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, ताकि आपकी मेहनत की वजह से आज हमारा महाराष्ट्र तरक्की किया है। फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप लोगों का ऐसे साथ रहा तो हमारा महाराष्ट्र और आगे जाएगा। और दूसरा, ये आज मैं दूसरी एक बात कहना चाह रहा था कि आज जो है पहला जुम्मा, अल्लाह ताला हमारे को इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के वक्त में, इस लॉकडाउन के अंदर इस जो हम पहला जुम्मा आया, जो हम मस्जिदों में जाके ये हम लोग ने अदा नहीं की नमाज जुम्मा, लेकिन मैंने आपसे पहली भी वीडियो में कहा था कि ये वक्त ऐसा है कि हमें रिस्क नहीं लेना है। सरकार का जो हमारे को जो सरकार ने जो कायदे कानून जो बनाए हैं उसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, इस वक्त हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले कल में हमारे को सरकार, या अल्लाह ताला अगर चाहे तो 3 तारीख तक, या उद्धव साहब हमारे को, या मोदी सरकार अगर छूट दे दे तो अल्लाह ताला हमारे को ईद नसीब करे, ईद की नमाज नसीब करेगा। ठीक है, ये जुम्मा नसीब करेगा, ये दुआ करिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें आखिरी जुम्मा नसीब करे, या इसके बाद दूसरी जुम्मा नसीब करे, ये दुआ करिए इंशाल्लाह अल्लाह के। इसमें आज इतने रोजेदार है, ऐसे दूसरे लोग जो आज हिंदू में, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में दुआ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसको दूर कर दीजिए। तो ये बहुत जल्द मुझे लगता है इतने लोगों की दुआएं जा रही है, जैसे पंजाबी लोग गुरुद्वारे में तो वो कर रहे हैं वाहेगुरु से, कि वाहेगुरु ये दुआ पढ़ो, ये बीमारी को हटाइए हमारी जिंदगी से, दुनिया से हटाइए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बीमारी जाएगी और बहुत अच्छा होगा। इसमें बस यही है कि ऐसा ही ये लेबर डे जैसा दिल्ली में हुआ था, सूरत में हुआ था, मुंबई में हुआ था, जो हजारों की तादाद में जो मजदूर आए, आने वाले कल में ऐसे मजदूर ऐसा रोड पे इस ऐसे ऐसे इतनी तादाद में ना आए, ताकि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो कहा गया वो सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। क्योंकि अभी भी मैं देखा हूँ कितने मजदूर फंसे पड़े हुए हैं मेरी नजर में, मुझे डेली फोन आते हैं, हर जगह से फोन आते हैं, मुझे पता है कहाँ कहाँ फंसे हुए, इवन हमारे इधर एपीएमसी मार्केट में कितने लोग फंसे हुए, पनवेल में कितने फंसे हुए, और एक एक नहीं 15 15 20 20 30 30 लोग
मुझे कॉल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरी जात से जितना कोशिश हो रही है हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। शुरू डे वन से हम लोग मदद कर रहे हैं जब से हुआ है। रमजान में भी हम उनका ख्याल है, जो मुस्लिम रोजादार है, जो मुस्लिम है, जो मजदूर है, मुस्लिम मजदूर है, उसको रमजान में हमारी तरफ से पनवेल के अंदर हो गया, एपीएमसी में हो गया, खारगर में हो गया, ऐसी बहुत सी जगह पे हम लोग सहरी का इंतजाम किए हुए है, इफ्तारी का इंतजाम किए हुए है, उनको पहुंच रहा है। अमीर मैं आपको बताने के लिए नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आपको भी अल्लाह ने दिया हुआ है तो ऐसे ऐसे मुसलमान रोजेदार जो अगर ऐसे लोग है तो उनके लिए आगे बढ़ के उनको सहरी का इंतजाम कीजिए, उनकी इफ्तारी का इंतजाम कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस वक्त में अगर आप उन लोगों के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपका इसका अजर बहुत ज्यादा देगा इंशाल्लाह। आप करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। अभी खास करके एक के पीछे एक हमारे को, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े टैलेंटेड, जो भी उनकी फील्ड हो, अल्लाह ताला ने उनको जो भी फील्ड दिया हुआ है इसमें वो काम कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपना एक नाम कमाया है अपनी अदाकारी से, अपने हुनर से। हमारे जो इरफान भाई थे, मास्टर ऐसा मास्टर क्लास अदाकार मैंने आज तक का नहीं देखा। उनकी जो फिल्में मैंने हासिल देखा था, और ऐसी बहुत मदारी पिक्चर, ऐसी ऐसी और ऑस्कर लेवल की पिक्चर उन्होंने किए हुए, स्पाइडरमैन ऐसे ऐसे जाके उन्होंने हॉलीवुड में जाके उन्होंने किए थे, उनकी अदाकारी देखने लायक थी। कैंसर हुआ था उनको थोड़े दूर में, कैंसर का इलाज में वो बाहर गए हुए थे, ये बहुत बड़ा झटका हमारे लिए था, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एक्टर भी थे। तो अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस के टाइम पे शायद उनको, अल्लाह मेरे ख्याल से उनको वो टाइम नहीं, वो ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, और अल्लाह ताला ने जिसकी नसीब में मौत रखी तो उसको उस वक्त जाना ही जाना है। तो एक उनकी एक क्या बता सकता हूँ, उनकी कमी हमारे को हमेशा महसूस रहेगी। दूसरे एक और हमारे दूसरा झटका, एक के पीछे दूसरा झटका दूसरे दिन हमको मिला, वो थे हमारे बॉलीवुड के ओल्ड इज गोल्ड, अपने ऋषि कपूर जी, कपूर खानदान के, राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर जी, बहुत ही लीजेंड आदमी। उनकी भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चरें थी उन्होंने अच्छी दी हुई थी, बेहतरीन एक्टर। उनकी बॉबी देखिए, अग्निपथ देखिए, रऊफ लाला का किरदार जो उन्होंने जिस जानदारी से निभाया था, क्या कह सकते हैं। तो ऐसे लोग, हालांकि वो भी बीमार थे काफी दिनों से, उनको भी कैंसर का इलाज चल रहा था, वो बाहर थे, लेकिन इस कोरोना के वक्त में उनका, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने उनका वीडियो देखे होंगे आखिरी, जिसमें वो कैसा वो किसी एक डॉक्टर को दुआ दे रहे थे उसके टैलेंट को करके। तो ऐसे लोग गए तो हमारे को बहुत दुखी होती है कि ऐसे अच्छे अच्छे लोग इस टाइम पे चले गए, लेकिन जिंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह है, उसकी जिसकी भी उम्र जब तक लिखी हुई है वो उसको मिलती ही है। और इसमें मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है, बहुत सी एनजीओ को देखा हुआ है, वो एनजीओ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जैसे मैंने पूना के अंदर आप देख लिए, आजम कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये आजम का पानसारे वाले लोग का जो पूना के अंदर है आजम कॉम्प्लेक्स, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मस्जिद और ऐसी कई लोग हैं मस्जिदों को साफ करके कोरोना के लिए उन्होंने बेड अवेलेबल करा के दिए मस्जिद के अंदर, क्योंकि आज इस वक्त इस रमजान के अंदर कोरोना के अंदर कोई भी मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, लेकिन इन्होंने और ऐसी कई हिंदुस्तान में होंगे जिन्होंने अपने मस्जिदों के अंदर नमाज, रमजान जैसी बड़ा इबादत करने की मुसलमानों की जगह पे, जो रमजान में ज्यादा मस्जिदों में इबादत करते हैं, इस वक्त उन्होंने नहीं किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुसलमानों को, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इन्होंने, और खास करके आजम कॉम्प्लेक्स वाले को जिनके बारे में कह रहा था, उनकी मस्जिदें उनके जगहों को उन्होंने क्वारंटाइन करके हॉस्पिटलों के लिए रहने के लिए, क्वारंटाइन के अंदर जो आराम करते हैं उनको आराम करने के लिए जगहें दी। अल्लाह ताला इनको इनका इसका इन एनजीओ और तमाम एनजीओ को इसका अजर देगा। और भाई और मैं एकदम सीरियस और एकदम इम्पोर्टेंट इशू पे मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, वो इशू ये है कि गल्फ के अंदर, पूरी गल्फ के अंदर आज की तारीख में जो मैसेज जा रहा है बहुत गलत मैसेज जा रहा है। जब से गल्फ कंट्री जो थी, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, मस्कत हो गया, ये तमाम कंट्री, जब यहाँ से ऑयल शुरू हुआ, ये गल्फ कंट्रियों में जब से ऑयल शुरू हुआ, ये लोग इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी उन्होंने वहां आके उससे नवाजा, बेस्ट मैन ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करते हुए उससे नवाजा, यानी उतना लाइक करते हैं। और शुरू से जब से ऑयल निकला हुआ है, हमारे इंडिया के लोग कई लाखों की तादाद में, आज अगर पूरा मिले तो करोड़ों की तादाद हो जाती सब ये कंट्रियों में रहते, ये कंट्रियों को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
वो लोग गए हुए वहां जाके काम कर रहे हैं, इसमें सब अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के आज उनकी प्रिंसेस को आके, कोविड के एम्बेसी को आके, यूएई की प्रिंसेस को आके, सऊदी के लोगों को आके, रॉयल फैमिली को आके आज के कहना कर रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ के कुछ लोग, क्योंकि आज वो लॉकडाउन चल रहा है, वो लोग भी घर के अंदर है लॉकडाउन के अंदर, वो लोग भी दुनिया इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, सब जगह पे देख रहे हैं। जब वो इंडिया के बाहर आता है, ये नहीं कि उनको भी हिंदी और उर्दू में बात करना सब आता है, तो जो लोग मैसेज जाते हैं तो ये लोग फेसबुक के थ्रू वो सब चीज देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, जो इंडिया की तरफ से जो लोगों के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उनके हाथ से फ्रूट मत लो, उनके हाथ से ये मत लो, तो ये सब उन लोग देख रहे हैं। और ये गवर्नमेंट रॉयल फैमिली ने आज तक जिंदगी में कभी भी आज उनको कहना नहीं पड़ा कि आप लोग अगर इधर काम कर रहे हैं तो हम आपको इसका पैसा दे रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे। क्यों इनको बोलना हुआ? हालांकि वो हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे इंडिया के दोस्त लोग हैं, इनको ये आज क्यों कहना पड़ा? ये चंद लोगों की खातिर जो हमारे इंडिया में और जो यूएई में, और खासकर मैं यूएई और गल्फ कंट्री में रहने वाले हमारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि वहां भी लॉकडाउन है तो आप खाली समय में पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए। आप लोग भी वहां रहते हैं, वहां की रोजी इतने सालों से, आप 15-15, 20-20 साल से वहां रह रहे हैं, उन लोगों ने आज तक आपने देखे कभी जात पात के पर भेदभाव किए? मैं खुद रहा हूं, मैं पूरी दुनिया देखा हूं, स्पेशली गल्फ कंट्री में कौन सी ऐसी कंट्री नहीं है, कतर हो गया, दुबई हो गया, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, सब जगह आया हूं। और अपने हिंदू भाई, नॉन मुस्लिम भाई कई सालों से, आज कई करोड़ों अपने इंडिया में प्रॉपर्टी बनाए हुए है, लेकिन वो अच्छे लोग भी है, बहुत से लोग अच्छे लोग है, वो वहां के कानून को रिस्पेक्ट भी करते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं वहां से। हमारी इंडिया ये नहीं सोचते वहां, हम लोग, मैं खुद रहा हूँ 2 साल रहा हूँ मैं वहां, ये नहीं सोचते हम इंडियन कम्युनिटी, वी आर इंडियन, ये सोचते हैं हिंदू मुस्लिम, ये नहीं सोचते। ये क्यों सोचना पड़ रहा है हमारे को? और उसकी वजह से आज उनकी नौकरियां जा रही है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ये सब देख रही है कि ये लोग, और वहां के जो एक साथ में काम करने वाले वो लोग देख रहे हैं कि भैया इसके दिल में, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है, यहाँ कमा रहा है, इतने सालों से कमा रहा है, इतना जहर है मुसलमानों के बारे में, इसमें मारा है, किसी ने तो ऐसा कर दिया कि पोस्ट डाला था, वो वहीं काम कर रहा है, सऊदी में ही काम कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मक्का की पोस्ट डाल रहा है कि बोले नेक्स्ट राम मंदिर उधर बनेगा मक्का के अंदर, और वो सऊदी में ही काम कर रहा है। कितनी गलत बात है, राम मंदिर रहेंगे वो आप मक्का के अंदर बनाएंगे, तो ये बात बहुत गलत है, ये बात कहना, तो उसको तो वहां की गवर्नमेंट तो ये सब चीजों के ऊपर एक्शन लेंगी। अगर तुम उसके विरुद्ध जाओगे, तुम वहां काम करके, तुम वहां की रोजी पे जाके तो अगर ऐसा करोगे तो एक्शन लेगी, तुमको भेजेगी कि तुम हमारे 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 खिलाफ जाके तुम बात कर रहे हो। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां किंगडम है, वहां के कानून और कायदे बहुत सख्त है, वहां अगर आप चोरी कर लो तो आपके हाथ काटे जाते हैं, अगर आपने किसी का खून कर दे तो खून का बदला खून फौरन, वो भी ऐसा वैसा नहीं, आपको डायरेक्ट 20 जुम्मा की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर, अगर वो साबित होता है, और फौरन, ऐसे नहीं कि 15-15 साल 20-20 साल केस चल रहे, विटनेस हो गया सब, वो गवाही हो गई काजी के सामने, जुम्मा के सामने, मस्जिद के बाहर, तुम्हारा सर कलम कर देता है, ये इस्लाम कानून बता के उसका, जिसका जो चीज है उसको फौरन मिलना चाहिए, ये कोई तालिबानी नहीं है, ये इस्लामी लॉ कहता है कि तुमको उसका चीज का, जान का बदला अगर खून गए तो खून का बदला खून से ही होना चाहिए, क्योंकि वो जान गई, अगर तुम किसी की जान, किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान लेने का भी तुमको हक नहीं है। हम किसी को जान, किसी की जान दे नहीं सकते तो किसी की जान लेने का भी हमको हक नहीं है, तो ये हमारा कानून है, गल्फ का, गल्फ कंट्री का इस्लामी कानून है, तो उसको आप लोग वहां रह रहे तो आप लॉकडाउन के अंदर उसका सही इस्तेमाल करो, यही नहीं कि आप वहां के लोगों की, वहां की हुकूमत के बारे में करके आप जा रहे हो, आपको ऑफिस भेजा जा रहा है, क्या मतलब है, क्या फायदा हासिल हो रहा है? तो ये इसके पर मैं गल्फ में रहने वाले अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, और मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों को समझाए, वो भी रोजी रोजगार के लिए आए, शायद उनको मीडिया ने इतना जहर भर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि हर मीडिया बुरा है, मेरे हमारे इधर देखो मीडिया है, हमारे नवी मुंबई का मीडिया देख लो, पनवेल का मीडिया देख लो, नवी मुंबई का मीडिया देख लो, बेहतरीन लोग हैं मीडिया के हमारे नई मुंबई के, हम इतने साल से 20-25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं नई मुंबई में, हमने हमारे कोई मीडिया के अंदर आज तक ये नहीं देखा हिंदू मुस्लिम की, अरे बल्कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो है नॉन मुस्लिम में मुझे प्रमोट किया है, मैंने अपनी शुरुआत जो की थी शिवसेना से की थी, राज साहब के साथ विद्यार्थी सेना से मैंने शुरुआत की थी मेरे पॉलिटिकल करियर की, राज साहब जब स्टूडेंट विंग के होते मैंने उनसे शुरुआत किया हुआ था, राज साहब ने जब पार्टी छोड़ी
उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनके साथ में रहा था। मैं शुरू से नॉन मुस्लिम के साथ में रहा हूँ, वही नॉन मुस्लिम में आज जितने भी ये सब मेरे दोस्त हैं आज हर पार्टी में है, वो नॉन मुस्लिम जो मेरे साथ में जो तो शुरू से जो थे कॉलेज के टाइम से स्टूडेंट विद्यार्थी सेना के टाइम से या फिर मनसे में आने के बाद राजस्थान जब ट्रांसफर हुई जो मनसे में आए उसमें आने के बाद आज वो भी हर कोई पार्टी में गया, कोई बीजेपी में गया है, कोई कांग्रेस में गया है, कोई एनसीपी में गया, हर तरह की पार्टी में गया, लेकिन हमारी दोस्ती और वो इसी कायम है। ये मीडिया ये पॉलिटिकल पार्टियों की बात, जो हमारे दोस्त जो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त है, मैं नई मुंबई की मिसाल देता हूँ, हमारा नई मुंबई की जैसा बेहतरीन शहर कोई नहीं है। यहाँ फसाद आज तक जिंदगी में लाइफ में मुंबई में इतने बड़े बड़े फसाद हो गए ये हो गए, लेकिन नई मुंबई एक वाहिद अल्लाह ताला की नजर नहीं लगे, भगवान और अल्लाह की किसी की वाहिगुरु की नजर लगी, इधर जिंदगी में फसाद नाम की चीज क्या होती है ये हम लोगों को मालूम नहीं है। इतना एकता हमारे के अंदर है, हमारे हमारे अंदर क्या है, ये सब चीज हमारे है नहीं, किसी कोई गिनती के दो तीन लोगों के परसेंट में होगा उसका हम लोग गारंटी नहीं देते, लेकिन बहुत यहाँ का मीडिया 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 में ये सब चीज नहीं है, बल्कि वो तो हमारे मुझ जैसे मुस्लिम भाई को उन्होंने जितना प्रमोट किया है उतना तो कोई उन्होंने नॉन मुस्लिम भाई को भी नहीं किया होगा जब हम मैं मनसे में था। तो ये सब चीजें है, ये हमारी सोच के ऊपर है। तो हमारे यहाँ का मीडिया जब नॉन ऐसा ये सोचता है तो वैसा दूसरी जगह के मीडिया को होना चाहिए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को होना चाहिए, जैसा हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, मनसे के हो, कोई भी पार्टी के हो, लेकिन हम लोग इसमें आपस में जात पात में हमारे दिल में कभी कोई भेदभाव नहीं है और ना ही कोई आज तक ये शहर में फसाद का ऐसा कभी कोई मुंह देखा है जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे। ये मुझे फखर है और मेरे नई मुंबई के लोगों को, पनवेल तालुका के लोगों को, रायगढ़ वालों को सलाम है इस बात पे। कैसर खालिद साहब का दूसरा एक मैं कहना चाहता हूँ, कैसर खालिद जो हमारे जो आईपीएस ऑफिसर है वो भी बहुत बढ़िया, उन्होंने क्या मैसेज दी, वो भी अपनी एनजीओ के थ्रू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कैसर खालिद साहब जो है कितने लोगों को वो इफ्तारी का अरेंजमेंट करा है, कितने जनों को उनकी एनजीओ के थ्रू लोगों को अनाज जा रहा है, तो ये हम लोग मिसाल पेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हमारे को जरूरत है। कैसर खालिद की जो अभी जो हमारे रमजान में जो अपनी तन पानसारे साहब जो वो कर रहे हैं, हमारे अकबर ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लोग जो एक समाज के सामने सोसाइटी के सामने अपनी मिसाल पेश कर रहे हैं अच्छे अच्छे कामों से लोगों की खिदमत करके। तो आप लोगों के अंदर भी अगर आपकी अगर अल्लाह ताला ने हैसियत नहीं दिया तो कुछ छोटी सी मदद कर दिया, किसी को रास्ता भी क्रॉस कर देंगे किसी अंधों को या किसी गरीब को, तो वो भी एक खिदमत में आपकी लिखा जाएंगे। तो ये सब कोशिश कीजिए, ये सब कीजिए। और दूसरे हमारे शाहरुख खान भाई है, सलमान खान भाई है, सलमान भाई तो अपने फिल्म इंडस्ट्री से, सलमान भाई है, शाहरुख भाई है, शाहरुख भाई ने तो हमारे औरंगाबाद की नॉन मुस्लिम जो है जयश्री एक्ट्रेस, उन्होंने रिक्वेस्ट की शाहरुख खान से कि शाहरुख भाई कि आप आइए, आके आप लोग आप देखिए हमारे को ये चीज की रिक्वायरमेंट हमारे औरंगाबाद के लिए। तो शाहरुख खान ने फौरन उस एक्ट्रेस के कहने पे पीपीई किट रवाना की। ये ऐसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी ऐसी ऐसी मिसालें पेश कर रहे हैं, हर तरह के लोग अच्छी अच्छी मिसालें लोगों के सामने पेश कर रहे हैं एक दूसरों के लिए। शाहरुख हो गया, सलमान हो गया, आमिर खान ने क्या मिसाल पेश की थी, इंसान जो सोच नहीं सकता, जो दान करने का जो सही तरीका कि एक हाथ से दे तो दूसरी हाथ को पता नहीं चले कि तुम क्या दे रहे हो, आधी रात को जाके कि भाई वो आटा दे रहा है, एक किलो आटा देने के लिए कौन सा इंसान जाता है कि जाके एक किलो आटा लेना है पुलिस से, पुलिस की तकलीफ से, इसकी तकलीफ से कौन जाके लेगा, लेकिन वही लेगा जो सच्चा है, जिसको सच्ची जरूरत है वही जाके लेगा। तो वही इंसान जब जाके आमिर खान की ये मदद जब लेता है और जब आके खोलता है तो खोलने के बाद उसको उसके अंदर 15,000 रुपया मिलते हैं, तो उसकी जान और उसके दिल से क्या दुआ निकलती होगी आमिर खान के लिए, इसको बोलते हैं मदद, इसको बोलते हैं सही डोनेशन। तो ऐसे डोनेशन देने वाले आप लोगों को भी अल्लाह ताला बनाए आमिर। तो मैंने यही कहा है भाइयों, तो ऐसा ही एक दूसरे से मिलजुल के रहे, फेसबुक का इस्तेमाल अच्छे तौर से करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। आवाज टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।